तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कृष्णा इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A9 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ओप्पो A9 2020 में एक नया अपडेट आ चुका है, और अपडेट क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो यार आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा, तो यार वीडियो को आपको स्किप नहीं करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सभी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेटिंग्स पे एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है, यानी कि एक अपडेट आ चुका है। और मैं अगर आपको सिस्टम अपडेट में अगर जाकर दिखाऊं तो यहाँ पे मैं कि देखिए मैं आ गया यहाँ पे सिस्टम अपडेट पे, और यहाँ जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक अपडेट अवेलेबल है। और अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या इसमें चेंजेस आपको मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यार जो मेरा फिलहाल वर्जन है वो देख सकते हैं 11A.27 है, ठीक है, 11A.27 है। और अभी जो नया अपडेट आया वो फिलहाल यहाँ पे वो तो नहीं बताता है इसमें कि कितना है, मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन क्या क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अपडेट गाइज आपको जो मिलने वाला है वो 249 MB का मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं रिकमेंडेशंस में बताया गया है कि अपग्रेड टू द न्यू वर्जन कलर OS दिस वर्जन नेट स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी योर सिस्टम डिलीवर्ड यू बेटर एक्सपीरियंस। तो यार ये तो सभी फोन्स बताते हैं। चलिए अब नीचे चेक कर लेते हैं, लैंड मोड पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यार यहाँ पे जो क्लिक नहीं हो रहा है गाइज। तो चलिए अब मैं यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर अपग्रेड योर फोन में हीट अप, यानी कि जो आपके जो फोन में अगर आपको थोड़ी बहुत हीटिंग प्रॉब्लम आती है तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं हीटिंग को लेकर ये जो अपडेट है वो यहाँ पे दे दिया गया है। और दूसरा जो है योर फोन वी हीट अप स्लाइडली और शॉर्ट विल यूगली रिटर्न ऑफ द नॉर्मल, तो मतलब कि नॉर्मली चलेगा, ज़्यादा हीटअप नहीं करेगा। और सिस्टम सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे आपका चेंजेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि दूसरा क्या, सॉफ्टवेयर अपग्रेड विल नॉट डिलीट योर मॉडिफाइड डाटा। तो इन्होंने दूसरा बताया कि आपका इसमें अपडेट करने में कोई भी जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होने वाला है, इस अगर अपडेट को करते हो तो आपको जो फ़ोन का डाटा है वो कुछ नहीं जाएगा। तो यार ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, इतना खास अपडेट नहीं है ये, बट फिर भी ठीक ही है, इसमें जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल तो मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो मुझे तो कोई हीटिंग जैसी प्रॉब्लम सॉल्व मतलब कोई प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आती। बट अगर आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हो सकता है तो आपको हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती हो, क्योंकि मैं इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, बट हो सकता है इसमें हीटिंग प्रॉब्लम हो आपके, तो जो आपकी हीटिंग प्रॉब्लम है वो इस अपडेट में सॉल्व कर दी गई है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।